हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल फिक द फाइट सिविल सर्विस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम लोग शुरू करने वाले हैं करेंट अफेयर्स, और करेंट अफेयर्स की अगर बात किया जाए तो हमारे इस करेंट अफेयर्स को जो विशेष बनाता है, जो खास बनाता है, जो महत्वपूर्ण बनाता है, वो है हमारा डेली का जो न्यूज़पेपर है उसका संदर्भ है, प्रतियोगिता दर्पण, क्रॉनिकल का, और ये कहें कि एक और भी ऐड कर सकते हैं आप, परीक्षा मंथन को भी देखें तो हमने ऐड किया है। तो ये सारे चीज़ों से हमने क्वेश्चन को समझिए कि बनाया है। तो खास करके अधिकतर हम प्रश्न न्यूज़पेपर का ही लेते हैं, जहाँ से ज़्यादातर मतलब प्रश्न आने की संभावना रहती है। ठीक है, पहला प्रश्न कहता है कि बिहार द्वारा जारी जलाशय मात्स्यिकी, यानी कि जलाशय अगर मत जलाशय मत्स्यिकी नीति 2022 के तहत किस ज़िले को जलाशय डिवीज़न का मुख्यालय बनाया गया, ये हो जाएगा आपका मुंगेर हो जाएगा। यानी कि अगर जलाशय जो फिशरीज जो सिस्टम है, जो मतलब नीति है, जो लॉ है 2022 के अनुसार अगर बात की जाए तो किस ज़िले को जलाशय डिवीज़न का मुख्यालय बनाया गया, तो ओडिस्टी का नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मुंगेर हो जाता है। इसका आंसर हो जाता है मुंगेर। अगर मुंगेर की बात करें तो देखिएगा, ये मुंगेर जो गंगा यानी कि गंगा नदी होकर के मुंगेर से मतलब यहाँ से गुजरती है। अगर बात करें तो गंगा नदियों के किनारे सबसे स्वच्छ शहर में मुंगेर का स्थान आता है, सबसे स्वच्छ शहर में मुंगेर का स्थान आता है। अगर बात कर दिया जाए मुंगेर का, तो मुंगेर में राज्य का पहला वानिकी विश्वविद्यालय खुलेगा, क्या खुलेगा, वानिकी। अगर वानिकी विश्वविद्यालय की बात करें, विश्वविद्यालय की बात करें तो राज्य का ये पहला है, और अगर बात कर दिया जाए कि यह वानिकी विश्वविद्यालय तो देश का यह दूसरा हो जाता है। ठीक है, देश का क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाता है। ठीक है, वानिकी विश्वविद्यालय ये यहाँ पे मतलब समझिए कि खुलेगा। ठीक है, ये पूरा प्रबंध हो गया। अगर बात कर दिया जाए यहाँ पे बिहार का, अगर देखा जाए तो दूसरा रेल सुरंग यहाँ पे बना है, दूसरा रेल सुरंग कहाँ, तो मुंगेर में क्या बनेगा, दूसरा रेल सुरंग यहाँ पे स्थापित हुआ। दूसरा मतलब जो कहा जाए रेल सुरंग की बात करते हैं यहाँ पे, यह प्रश्न पूछा जाता है रेल सुरंग की। ठीक है, रेल सुरंग की स्थापना हुआ है। ठीक है, ये हो जाएगा, यानी कि मुंगेर से हम लोगों ने इतना चीज़ किया। यानी कि अगर देखा जाए तो ये जलाशय जो मात्स्यिकी नीति 2022 के तहत किस ज़िले को जलाशय डिवीज़न का मुख्यालय बनाया गया, तो ये आपका डिवीज़न कौन सा होता है, ये हो जाएगा आपका मुंगेर हो जाता है। ठीक है, ये कौन सा हो जाता है, मुंगेर हो जाता है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं क्या कहते हैं। कहता है कि स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट इन फिगर्स 2023 में बिहार का कौन सा स्थान है, तो बिहार का कौन सा स्थान है, ये समझिए कि बहुत ही भीवीआई हो जाएगा, ये आपका भीवीआई होगा, ये पूछा जा सकता है। स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट इन फिगर्स 2023 में बिहार का कौन सा स्थान हो जाता है, क्या हो जाएगा, ये 27वां स्थान हो जाता है। कौन सा स्थान हो जाता है, दो का बी आंसर होता है 27वां। इसका देखिए कटिंग में दिया हुआ है, पेपर में दिया हुआ था, आगे आपको सब कटिंग दिखाएंगे। कहता है कि जून 2023 को सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की वार्षिकी रिपोर्ट के अनुसार बिहार का स्थान कितना है, 27वां है। अगर बात कर दिया कि प्रथम स्थान किसका हो जाएगा, तो ये देखिए तेलंगाना का हो जाएगा, प्रथम स्थान किसका, तेलंगाना का। अगर बात कर दिया कि बिहार का स्थान कितना हो जाएगा, तो बिहार का स्थान की अगर बात कर दिए यहाँ पर, तो ये क्या होता है, ये 27वां हो जाता है। प्रथम स्थान कितना हो जाएगा, तो तेलंगाना का, और अंतिम स्थान की अगर बात कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, राजस्थान का स्थान आता है। ठीक है, राजस्थान का स्थान आता है। कहता है कि सबसे अधिक वन की कटाई कहाँ पे होती है, अगर बात कर दिया जाए कि भारत में कौन ऐसा जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा, कौन ऐसा राज्य है जहाँ सबसे ज़्यादा वन की कटाई किया जाता है, तो देखिएगा ये पूर्वोत्तर का क्षेत्र हो जाएगा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम है। ठीक है, इस रिपोर्ट के अनुसार अगर बात कर दिया तो देखिएगा मलजल प्रबंध का इस्तेमाल किया गया। अगर बात कर दिया मलजल प्रबंध में देखा जाए तो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किसका हुआ है, तो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की बात कर दिया जाए तो पंजाब हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा और हरियाणा हो जाएगा। ठीक है,
इसमें हम लोग देखते हैं सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य कौन हो जाएंगे, तो बिहार हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, असम, मेघालय और मणिपुर हो जाएगा। सबसे खराब जिसकी स्थिति बोलती है हम लोग, सबसे खराब स्थिति बिहार, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और मणिपुर का हो जाता है। भूजल दोहन की अगर बात कर दे, भूजल दोहन का कि कौन ऐसा जगह है जहाँ पर भूमि के अंदर के जो जल है उसका सबसे ज़्यादा दोहन किया जाता है, कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय का प्रदर्शन सबसे क्या है? अच्छा है। और बात कर दिए कि पंजाब, राजस्थान और हरियाणा की हालत क्या है, तो सबसे खराब है। ठीक है, क्या हो जाएगा? सबसे खराब है। और यहाँ पे देखिए नदियों में बीओडी जो प्रदूषण है वो सबसे खराब स्थिति किसका है? तो उत्तर प्रदेश का है। किसका हो जाएगा? तो उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। ऐसे ये सब रिपोर्ट जरूर जानिए क्योंकि ये सब चीज़ें पूछा जा सकता है। करंट तो सबसे मतलब समझिए कि समुद्र की तरह है, उसको बड़ी ही सोच समझ के पढ़ना चाहिए और सटीक किताबें पढ़ना चाहिए, तभी जाके पकड़ाएगा। कहता है कि भारत किस वर्ष यानी कि 3 अंतरिक्ष स्टार्टअप लॉन्च करेगा। ठीक है, ये देखिए, ये मार्च 2000 क्या हो जाएगा, इसका अगर बात कर दिया है तो ये हो जाएगा मार्च 2024। ठीक है, ये मार्च 2024 से जाएगा, इसका कटिंग हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, देखिए मार्च 2024 तक 3 अंतरिक्ष स्टार्टअप लॉन्च करेंगे उपग्रह। ठीक है, कितना? तो 3 करेंगे। कब करेंगे? तो ये देखिए मार्च 2024 में। कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र, ठीक है, के अनुसार अगले वर्ष कब तक? मार्च 2024 तक 3 भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप उपग्रह को लॉन्च करेंगे। इन निजी कंपनियों में चेन्नई की ग्लैक्सआई स्पेस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद की ध्रुव स्पेस और बेंगलुरु की पिक्सेल शामिल है। आईएन स्पेस ने कहा कि ग्लैक्सआई का पहला उपग्रह दृष्टि 2023 की आखिरी तिमाही में लॉन्च किया जा सकता है। वहीं ध्रुव स्पेस का उपग्रह लॉन्च करने का मिशन 2024 की पहली तिमाही में तय है। पिक्सेल ने भी उपग्रहों को लॉन्च करने का योजना बनाई है जिसमें हर 48 घंटे में दुनिया के किसी भी जगह को कवर करने वाले 6 उपग्रह शामिल होंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा मार्च 2024 में। ठीक है, चलिए अगला हम लोग सवाल देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि रूस द्वारा चंद्र मिशन किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? रूस द्वारा चंद्र मिशन किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? 3 में से ये कोई नहीं हो जाएगा। ऐसे में कभी देता है 2025 तक। ठीक है, 2025 तक देता है रशिया, ये करेगा। ठीक है, और ये अगला हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या कहता है। कहता है कि भारत सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग, घुड़सवारी व कसिनो पर कितने प्रतिशत जीएसटी लगाने के लिए बोला है? कितने प्रतिशत तक जीएसटी लगाने के लिए बोला है? तो देखिएगा, ये हो जाएगा 28%। ये भी बहुत बीबीआई है, ये प्रश्न पूछा गया है। ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है जो आपको टेढ़ा मुढ़ा थोड़ा सा लगता है। 28% होगा, इसको याद रखिएगा। इसमें देखिए पेपर में क्या दिया गया है। कहता है कि ऑनलाइन गेमिंग, घुड़सवारी व कसिनो पर कितना? 28% ही जीएसटी लिए जाएंगे। और ये देखिए, ये हमारे भारत के वित्त मंत्री हैं, क्या कहती हैं? ऑनलाइन गेमिंग, घुड़सवारी और कसिनो पर 28% ही वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी लगेगा। इसे 1 अक्टूबर से लागू किया जाएगा। कब से किया जाएगा? तो यहाँ देखिएगा, 1 अक्टूबर से लागू किया जाएगा। देखिए 1 अक्टूबर से लागू किया जाएगा। जीएसटी परिषद की बुधवार को हुई 51वीं बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि इस फैसले की 6 महीने बाद समीक्षा की जाएगी। दिल्ली, गोवा सहित कई राज्यों में इसकी मांग की थी। जीएसटी परिषद की 1 महीने में यह दूसरी बैठक थी। ठीक है, देख लीजिए कि कितना लगेगा ऑनलाइन गेमिंग के लिए, घुड़सवारी और कसिनो पर कितना जीएसटी लगाई जाएगी। तो देखिए 28%, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ज़्यादा 28%, ये पूछने की संभावना ज़्यादा प्रबल हो जाती है। ठीक है, चलिए देखते हैं। कहता है कि बिहार किस कृषि विश्वविद्यालय में बन रहे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को बाजरा और मोटे अनाज पर शोध होगा। ठीक है, बाजरा और मोटे अनाज पर क्या हो जाएगा? शोध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो इसमें ए और बी आंसर हो जाएगा। अगर बात कर दिया यहाँ पे तो गया और क्या हो जाएगा? समस्तीपुर हो जाता है। गया और समस्तीपुर हो जाएगा, देखिए पेपर में दिया हुआ है, गया और समस्तीपुर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं गया में बाजरा, क्या लिखा है? गया में बाजरा और पूसा में अन्य मोटे अनाजों पर क्या होगा? शोध होगा। ठीक है, मोटे अनाज पर क्या होगा? शोध होगा। और यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिए,
क्या कहता है, कहता है कि जलवायु परिवर्तन को देखते हुए सरकार मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा दे रही है। किसानों को ज्वार, बाजरा, मड़ुआ सहित सभी मोटे अनाज की उन्नत किस्मों के बीज भी उपलब्ध कराए जाएंगे। यह जिम्मेवारी बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर और गया में बन रहे सेंटर ऑफ एक्सेलेंस को दी गई है। चतुर्थ कृषि रोड मैप में भी इसे शामिल किया गया है। किसमें? तो देखिए, चतुर्थ कृषि रोड मैप की अगर बात कर दिया जाए, तो क्या हुई? इसमें शामिल किया जाएगा। अच्छा चलिए, ये कृषि रोड मैप की अगर बात हुआ तो थोड़ा सा इसमें हम लोग देख लेते हैं। अगर बात किया जाए यहाँ पे कि पहला कृषि रोड मैप कब लाया गया था, अगर बात किया जाए यहाँ पे तो पहला कृषि रोड मैप, अगर बात किया जाए पहला कृषि रोड मैप कब लाया गया, कृषि रोड मैप तो कब हो जाएगा, अगर बात कर दिया जाए यहाँ पे पहला कृषि रोड मैप की तो क्या हो जाएगा, ये देखिए 2008 हो जाता है। कब हो जाएगा? तो 2008 में हो जाएगा। इसमें विशेषता जो रखी गई थी वो बीज के लिए था। किसके लिए था? तो बीज के लिए था, बीज के लिए, ठीक है। और बात करें हम लोग दूसरा कृषि रोड मैप का, अगर बात हो जाता है दूसरा कृषि रोड मैप का तो यहाँ देखिए 2000 या दूसरा कृषि रोड मैप की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, यानी कि 2012 में इसका होता है। क्या होता है? 2012 में किसका? दूसरा कृषि रोड मैप का 2012 में। और इसमें सबसे ज़्यादा फोकस किया गया था किसानों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए। क्या किया गया था? उत्पादकता बढ़ाने के लिए, उत्पादकता क्या किया था, बढ़ाने के लिए किया गया था। अब बात यहाँ पे कर दिया जाए कि तीसरा का अगर बात करता है, तीसरा कृषि रोड मैप की अगर बात कर दी जाए तो देखिए ये 2000 कब होता है, 2017 में। और ये अगर यहाँ पे बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक फसलों की, अगर यहाँ पे देखिएगा ये क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिक फसल हो जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखते हैं ऑर्गेनिक फसल के साथ ही साथ देखिए दूध का उत्पादन बढ़ाना, किसका, दूध का उत्पादन बढ़ाना। और उसके बाद क्या था, मछली का उत्पादन बढ़ाना, किसका, मछली का उत्पादन बढ़ाना। ऑर्गेनिक फसल का तीसरा क्या कहता है, तीसरा क्या कहता है, कहता है कि मछली का दूध का उत्पादन ऑर्गेनिक का। और ये होता है 2017 में, ये कृषि रोड मैप 2017 में जो सबसे ज़्यादा फोकस पॉइंट था ये वाला। और बात कर दे जो चौथा का बात कर रहा था, अगर बात कर दें हम लोग चौथा जो रोड मैप आया, कृषि रोड मैप की बात यहाँ पे होता है, तो चौथा कृषि रोड मैप की अगर बात की जाए तो ये हो जाएगा 2000 कब हो जाता है, 2023 में आता है, ठीक है, 2023 में। और ये जो फोकस रहता है, यानी कि चौथा कृषि रोड मैप फोकस क्या हो जाता है, तो देखिए मोटे अनाज सबसे ज़्यादा फोकस की बात क्या होता है, मोटे अनाज, ये सब याद रखना चाहिए, मोटे अनाज हो जाता है। अगर बात कर जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा एक पेज ले लेते हैं, मोटा अनाज हो जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा मोटे अनाज के साथ साथ यहाँ पे हो जाता है, मतलब समझिए कि दलहन, यानी कि दलहन हो जाएगा। और दलहन के बाद देखिए तिलहन हो जाता है, ठीक है, ये दलहन हो जाएगा, तिलहन हो जाएगा, यानी कि दलहन तिलहन का उत्पादन हो जाएगा, मोटे अनाज का हो जाएगा। ये आपका चौथा कृषि रोड मैप ही, और ये 2000 कब आया था, 23 में आता है, ठीक है। एक चीज़ और भी जान लीजिए, जैसे कृषि कर्णम पुरस्कार अभी तक बिहार को 5 बार मिला है। कृषि कर्णम पुरस्कार अगर बात कर दिया जाए तो बिहार को कितना बार मिला है, तो 5 बार मिला है। तो बात कर दिया यहाँ पे, चलिए यहाँ पे देख भी लेते हैं, कृषि कर्णम पुरस्कार जो है वो बिहार को 5 बार मिलता है, तो ठीक है 5 बार मिलता है। तो पहला कब मिलता है, तो पहला की बात देखिए 2011 और 12 में मिलता है। अगर पहला की बात कर लिया जाए तो यहाँ पे 2011 और 12 में मिलता है। अगर 2011 में कृषि कर्णम पुरस्कार मिलता है तो किस फसल के लिए मिलता है, तो सबसे देखिएगा बिहार के लोग सबसे ज़्यादा क्या खाते हैं, चावल खाते हैं, चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, तो चावल का सर्वाधिक उत्पादन की वजह से दिया गया था, ठीक है। कृषि कर्णम पुरस्कार जो पहला कृषि कर्णम पुरस्कार है वो 2011-12 में होता है, ठीक है, 2011-12 में, और किसके लिए, चावल के लिए। बात होता है यहाँ पे दूसरा, अगर बात की जाए दूसरा, अगर हम लोग कृषि कर्णम पुरस्कार की बात कर दें यहाँ पे दूसरा, तो यहाँ पे देखिएगा दूसरा कृषि कर्णम पुरस्कार की बात हो जाए यहाँ पे, तो ये देखिए 2000 यानी कि 2000 आपको 12-13 में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा 2012 और 2013 में होता है, ये दूसरा कृषि कर्णम पुरस्कार है। और इसमें सबसे ज़्यादा प्राथमिकता किसके लिए दिया गया, तो ये देखिए चावल के बाद क्या होता है, गेहूं के लिए दिया गया, ठीक है, गेहूं के लिए दिया है ये दूसरा कृषि कर्णम पुरस्कार। और बात यहाँ पे होता है तीसरा
कृषि कर्णम जो पुरस्कार है कब दिया गया, तो तीसरा देखिएगा तो 2015 और 2016 में दिया गया था। तो 2015-16 में कृषि कर्णम पुरस्कार जो बिहार को दिया गया तीसरा, वो किसके लिए दिया गया, तो देखिए मक्का के लिए दिया गया था। किसके लिए दिया गया था, मक्का के लिए दिया गया था। ठीक है, और नया पे ले लीजिए। और बात यहाँ पे हो जाता चौथा का, अगर चौथा कृषि कर्णम पुरस्कार की बात करिए तो 2016-17 में दिया था, और 2016-17 में भी मक्का के लिए ही मिला था। किसके लिए मिला था, तो देखिए मक्का के लिए ही मिला था। अगर बात करते हैं हम लास्ट पांचवा का, अगर बात करते हैं तो पांचवा हम देखिए तो 2017-18 में पांचवा कृषि कर्णम पुरस्कार मिलता है। कब मिलता है, तो 2017 और 2018 में मिलता है। 2017-18 में कृषि कर्णम पुरस्कार मिलता है, और ये मिलता है किसके लिए, तो गेहूँ के लिए मिलता है। ठीक है, किसके लिए मिलता है, तो गेहूं के लिए मिलता है। ठीक है, चलिए इतना हम लोग जान गए। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया था इसलिए हमने बता दिया। चलिए, कहता है कि मिसेज इंडिया 2023 का खिताब अपने नाम किसने किया, तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर रोहिणी ने। मिसेज क्या, मिसेज इंडिया 2023 का खिताब, क्या कहता है, मिसेज इंडिया 2023 का खिताब अपने नाम किसने किया, तो ये हो जाता है डॉक्टर रोहिणी ने। देखिए डॉक्टर रोहिणी का ये दिया हुआ है, यह है डॉक्टर रोहिणी। कहता है मिसेज बिहार रह चुकी हैं, मिसेज बिहार रह चुकी हैं कौन, डॉक्टर रोहिणी। अब मिसेज इंडिया 2023 का खिताब अपने नाम कर ली है। ठीक है, रोहिणी ने पूरे बिहार का नाम रोशन किया है। मिसेज इंडिया के लिए उन्होंने पहली खिताब के बाद ही तैयारी क्या कर दिया था, शुरू कर दिया था। तो ये हैं जो आप देख रहे हैं इनको, ये डॉक्टर रोहिणी हैं जो बिहार की रहने वाली हैं, इनका नाम है डॉक्टर रोहिणी। ठीक है, और ये मिसेज इंडिया का खिताब इन्होंने 2023 में क्या किया, अपने नाम कर ली है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या कहते हैं, कहते हैं बिहार किस जिला में, क्या कहते हैं बिहार किस जिला में दूसरा डॉपलर रडार स्थापित किया जाएगा, यानी कि बिहार के किस जिला में दूसरा डॉपलर रडार क्या किया जाएगा, स्थापित किया जाएगा। तो आठ का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पूर्णिया में, पूर्णिया में हो जाएगा ये डॉपलर रडार का स्थापना, पूर्णिया में किया जाएगा, और ये क्या होगा, दूसरा हो जाएगा। इसका डिस्कशन देखिए क्या कहता है, पूर्णिया में बनेगा बिहार का दूसरा डॉपलर रडार, रडार की बात है। हाल ही में एक जानकारी के अनुसार बिहार के पूर्णिया में बिहार का दूसरा डॉपलर रडार स्थापित किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, अब बात होता है कि पहला डॉपलर रडार कहाँ बनेगा, तो पटना के अनिशाबाद में स्थापित किया गया है। ठीक है, और दूसरा रडार की बात कर दिए तो कहाँ पर होगा, ये पूर्णिया में होगा। पहला कहाँ हुआ, तो पटना में, और दूसरा की बात हुआ तो कहाँ, पूर्णिया में। ठीक है, अब देखिए पटना की बात होता है तो ये कहता है कि 15 करोड़ की लागत से स्थापित किया जाएगा। डॉपलर वेदर रडार लगने से चक्रवात, ठीक है, तूफान, मानसून, थंडर स्टॉर्म का वास्तविक पूर्वानुमान भी मिलेगा। कहता है कि केंद्र में डॉपलर रडार लगने से 200 किलोमीटर के दायरे में मौसम की सटीक जानकारी क्या होती, मिलती है। देखिए इससे पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, सुपौल, किशनगंज, दरभंगा, मधुबनी, अररिया समेत अन्य जिलों को क्या होगा, फायदा मिलेगा, ताकि सटीक जानकारी मिलेगी। इससे दो चीज़ हो सकता है, किसान सतर्क भी हो जाएंगे और किसानों को फसल के लिए भी उनको अलग अलग, मतलब क्या बोलते हैं, आइडियाज मिलता रहेगा। ठीक है, और मौसम की जानकारी उनको सटीक मिलेगी, यानी कि संभावना पे नहीं रहेगा। तो पहला क्या बोलता है कि दूसरा जो डॉपलर पूर्णिया में, पहला क्या होता है पटना में, और जो लग रहा है इससे फ़ायदा किसको हो रहा है और यहाँ पे कितना खर्चा हो रहा है। ठीक है, ये देखिए, उसके बाद देखिए डॉपलर रडार के बारे में कहता है, डॉपलर वेदर रडार 400 किलोमीटर तक के क्षेत्र में होने वाले मौसमी बदलाव के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। यह रडार डॉपलर इफेक्ट का इस्तेमाल कर अति सूक्ष्म तरंगों को भी क्या करती है, कैच कर लेती है। देखिए क्या कहता है, जब अति सूक्ष्म तरंग किसी भी वस्तु से टकरा कर लौटती है तो वह जब टकरा के लौटती है तो वह रडार उनके दिशा को आसानी से पहचान लेता है। इस तरह हवा में तैर रहे अति सूक्ष्म पानी के बूंदों को पहचानने के साथ ही उनकी दिशा का भी पता लगा लेता है। यह बूंदों के आकार, उनकी रडार दूरी सहित उसके रफ्तार से संबंधित जानकारी को हर मिनट अपडेट करता है। इस डाटा के आधार पर यह अनुमान पता कर पाना मुश्किल नहीं होता कि किस क्षेत्र में कितनी वर्षा होगी या तूफान आएगी। ठीक है, इससे इतना फायदा है, जैसे मानते हैं कभी पता ही नहीं चल पाता है कि तूफान आया और भयंकर जानमाल का मतलब क्षति पहुंचा दिया, तो इससे हो जाएगा कि तूफान आने के पहले और मौसम खराब होने के पहले सटीक जानकारी हमको इस डॉपलर यानी कि रडार से हमें पता चल जाएगा। और ये पहला जो की बात कर दी जाए तो पटना में हो जाएगा, और दूसरा की बात कर दी जाए तो ये पूर्णिया में हो जाएगा। चलिए अगला हम लोग देखते हैं।
दूसरा प्रश्न देखिए क्या कहता है, अच्छा प्रश्न है, कहता है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र में कितना योगदान है, तो क्या हो जाएगा 18.1% हो जाएगा, क्या हो जाएगा 18.1% हो जाएगा। हालांकि देखा जाए कि बिहार में कृषि का जो योगदान है धीरे धीरे घट रहा है, अगर बात कर जाए कि सबसे ज़्यादा योगदान किसका है तो देखिए तृतीय क्षेत्र का हो जाता है जिसको सर्विस सेक्टर बोलते हैं, ठीक है सर्विस सेक्टर बोलते हैं यानी कि सेवा के क्षेत्र में। और देखिए बिहार के प्रमुख नीतियों एवं विधेयक 2021-22 का जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक मतलब समझिए कि ये सारा याद रख लीजिए ताकि कभी ना कभी हो सकता है जैसे स्टार्टअप इंडिया है स्टार्टअप बिहार है इससे के बारे में पूछा जा सकता है। अब देखिए क्या कहता है कि बिहार स्टार्टअप नीति कब लाया गया, तो 2022 में लाया गया, याद रहना चाहिए। कहता है कि विशेष न्यायालय संशोधन विधेयक कब लाया गया, तो 2022 में लाया गया। कहता है कि बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति वस्त्र और चर्म से संबंधित है किससे, तो 2022 में लाया गया। कहता है कि माल और सेवा कर संशोधन विधेयक कब लाया गया, तो 2022 में लाया गया। कहता है कि शहरी आयोजन तथा विकास विधेयक कब लाया गया, तो 2022 में लाया गया। देखिए करंट को खूब पढ़िए, करंट पे ही रिजल्ट बनता है, क्योंकि देखिए 10-12 प्रश्न तो कोई भी बना लेगा, 12-13 प्रश्न बना लेगा। अगर बेहतर ज़्यादा पर आपको चाहिए तो 2-3 किताबों का जरूर अध्ययन करें, प्रतियोगिता दर्पण लीजिए या क्रॉनिकल लीजिए और न्यूज़पेपर को जरूर रखिए, और परीक्षा मंथन भी ठीक ठाक है वो भी कर लेता है, लेकिन प्रतियोगिता दर्पण और अगर क्रॉनिकल आप हर महीने आप करते हैं और न्यूज़पेपर करते हैं तो कभी भी प्रश्न आपको नहीं छूटेगा, ठीक है। तो ये सारा चीज़ें, बाकी तो सब मटेरियल बहुत सारा चीज़ें मिलता है, लेकिन न्यूज़पेपर का अध्ययन जो लोग कर रहे हैं वो कम से कम 25-28-30 जरूर बना लेते हैं, 25 से प्लस ही बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए ये हो जाता है। कहता है कि बिहार नगर पालिका संशोधन अध्यादेश कब, तो 2022 में। बिहार नगर पालिका संशोधन जो अध्यादेश है कब लाया गया, ये लाया गया 2022 में। और कहता है बिहार पुलिस संशोधन विधेयक कब, तो 2021 में। कब होता है, तो बिहार पुलिस संशोधन विधेयक कब, तो 2021 में। अगर बात करें बिहार सिविल न्यायालय विधेयक कब, तो 2021 में। बिहार सिविल न्यायालय विधेयक कब, 2021 में। और एथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति कब, 2021 में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति कब, तो 2021 में। ये जो फैक्ट है आपको याद रखना चाहिए, ये जो है इसको याद रखिएगा, कौन, तो एथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति कब, तो 2021 में। और बात यहाँ कर दिया जाए कि बिहार स्टार्टअप नीति कब, तो 2022 में, ठीक है। और एक चीज़ और भी है, बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति कब, तो 2022 में, ठीक है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, कहता है कि राजगीर और नालंदा को बेस्ट हेरिटेज सिटी अवार्ड दिया गया, किसको, तो राजगीर और नालंदा को क्या दिया गया, बेस्ट हेरिटेज सिटी अवार्ड दिया गया। अब यहाँ पे बात करते हैं, हाल ही में बिहार के राजगीर और नालंदा को केंद्र सरकार की ओर से बेस्ट हेरिटेज सिटी अवार्ड प्रदान किया गया। बिहार के दो पर्यटन स्थल कौन कौन, तो राजगीर और नालंदा को इंजीनियरिंग का नायाब नमूना और प्राचीन भारत की धरोहर भी है। अब देखिए राजगीर के बारे में, इसमें राजगीर की साइक्लोपियन वाल क्या है, महत्वपूर्ण है, एगो चीन में भी वाल है आपको, साइक्लोपियन वाल, तो साइक्लोपियन वाल अगर चीन की दीवार से भी क्या है, पुरानी दीवार है, कहाँ का, तो हम लोग के राजगीर का, ठीक है। अब लोग देखते हैं, करीब 2500 साल पुरानी इस दीवार में पत्थरों की जुड़ाई इतनी मजबूत है कि आज भी यह जरा नहीं सिरकती है, ठीक है। और यह करीब 40 किलोमीटर लंबी है, कितना किलोमीटर लंबी है, तो 40 किलोमीटर लंबी है। और कहता है देखिए नालंदा, ये थोड़ा सा नालंदा विश्वविद्यालय है, तो देखिए नालंदा एक प्रशंसित महाविहार था जो भारत में प्राचीन साम्राज्य मगध में एक बड़ा बौद्ध मठ था। 2002 में यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया नालंदा विश्वविद्यालय को, इसे बख्तियार खिलजी ने क्या किया, जला दिया। इन्हीं सब विशेषताओं को देखते हुए हेरिटेज सिटी अवार्ड के लिए क्या किया, चयन किया गया। अच्छा यहाँ पे देखिए, जो नालंदा विश्वविद्यालय है जिसको गुप्त वंश के सम्राट कुमार गुप्त ने बनाई थी, आपको बता दें बख्तियार खिलजी जब इसको जलाया तो कहा जाता है कि इतना ज़्यादा लाइब्रेरी, उतने ज़्यादा ग्रंथ, इतनी ज़्यादा किताब थे कि दुनिया का यानी कि जितने भी बौद्धिस्ट हैं हमारे यहीं नालंदा विश्वविद्यालय के अध्ययन के लिए आते थे। और जब बख्तियार खिलजी ने इसे जलाया तो लगभग 3 माह तक यह धधकता रह गया, जलता रह गया। 3 माह लगा इसको पूरे मतलब उसको तहस नहस होने में, जलने में। और ये बख्तियार खिलजी ने इसको क्या किया था, जलाया था, ठीक है। और कहा जाता है कि ये बख्तियार खिलजी जो था ये गोरी का क्या था, गोरी का दास था, मोहम्मद गोरी का क्या था, दास था ये, ठीक है। और कहता है कि बिहार में पहला मुसलमानों का आक्रमण जो है यह बख्तियार खिलजी के द्वारा हुआ। चलिए ठीक है, अगला हम लोग चलते हैं। कहता है कि 73 महाबोधि कॉरिडोर लाल गुलाबी पीले पत्थरों से निर्मित होगा,
देखिए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के तर्ज पर क्या होगा, ये महाबोधि कॉरिडोर लाल गुलाबी पीले पत्थरों और ग्रीन वेल्ट से सजाए जाएंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके तर्ज पे बनाया जाएगा। तो देखिए बनारस के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तरह महाबोधि कॉरिडोर बनेगा। इसके लिए अगर बात कर दिया जाए तो 72.90 एकड़ जमीन चिन्हित की गई है। ठीक है, और कहता है कि कॉरिडोर की खासियत यह होगी कि लाल गुलाबी और पीले पत्थरों से क्या होगा, तैयार किया जाएगा। और ये पत्थर कहाँ से मंगाया जाएगा, तो राजस्थान से मंगाया जाएगा। ठीक है, बोधि मंदिर के चारों ओर खासकर निरंजना नदी के तटीय जो क्षेत्र है उसका सौंदर्यीकरण किया जाएगा। ठीक है, होगा। अब देखिए महाबोधि मंदिर की बात अगर देखा जाए तो महाबोधि मंदिर में भगवान बुद्ध के ज्ञान की जगह पर स्थित है। यह प्रथम मंदिर 3री शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक द्वारा निर्मित कराया गया था और वर्तमान मंदिर 5वीं या 6ठी शताब्दी में बनाए गए। यह ईंटों से पूरी तरह निर्मित सबसे प्रारंभिक बौद्ध मंदिरों में से एक है जो भारत में गुप्त अवधि में अब तक खड़े हुए हैं और 2002 में यूनेस्को के विश्व धरोहर मतलब धरोहर स्थल के रूप में इसको मान्यता दी गई है। ठीक है, अब चलिए अंतिम हम लोग देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है। कहता है यहाँ पे कि बिहार की गंगा जल आपूर्ति योजना और फल्गु नदी पर बने गया जी डैम को मिला है। ठीक है, कहता है कि केंद्र सरकार द्वारा स्थापित संस्था सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर द्वारा बिहार की इस योजनाओं का चयन क्या किया, सर्वोत्तम कार्यान्वयन की श्रेणी में किया गया। इस वर्ष नवादा शहर में भी हर घर गंगा जल पहुंचाने में तेजी से काम चल रहा है। कहाँ पे, तो नवादा में। और देखिए योजना को तैयार करते समय इन शहरों की वर्ष 2051 तक की जनसंख्या की जरूरतों को ध्यान में रखा गया, 51 तक। और बिहार के जल संसाधन मंत्री की बात कर दिया जाए तो कौन हो जाएंगे, संजय झा हो जाएंगे। अगर बात कर दिया जाए गंगा जल आपूर्ति योजना का, तो यहाँ पे देखिए क्या कहता है, गंगा जल आपूर्ति योजना बिहार ही नहीं देश में अपनी तरह की अब पहली योजना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। ठीक है, पहली योजना है। योजना के तहत बाढ़ के समय 4 माह तक बाढ़ के पानी को जल संकट वाले शहरों में ले जाकर वहां इसे बड़े जलाशयों में भंडारण किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद उच्च तकनीक से लैस मशीनों से इस पानी को साफ कर लोगों को घर तक पहुंचाया जाएगा। देखिए कितनी अच्छी तकनीक है। गंगा जल आपूर्ति योजना के पहले फेज 27 नवंबर को सीएम नीतीश कुमार राजगीर में क्या किया, प्रारंभ किया था। यह प्रश्न पूछा जा सकता है गंगा जल आपूर्ति योजना का शुरुआत कहाँ हुआ, तो 27 नवंबर को हुआ था। किसने किया था, तो सीएम नीतीश कुमार ने किया था। कहाँ से किया था, तो राजगीर से किया था। अब देखिए जबकि 28 नवंबर को गया और बोधगया में भी मुख्यमंत्री इसी योजना का उद्घाटन किए। 27 को कहाँ किए, तो 27 को राजगीर किए और 28 की अगर बात करी जाए तो कहाँ, गया और बोधगया में किया। देखिए पहले फेज के बाद जून 2023 तक नवादा शहर में भी इसी योजना के तहत घर घर गंगा जल पहुँचाने का लक्ष्य है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा सेशन समाप्त होता है। आप लोग खूब पढ़िए, अच्छा से पढ़िए। सेशन हमको हमारा जो है ये आपको पसंद आता है तो इसे बहुत सारा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट्स भी दें ताकि लगे कि और क्या चाहिए आपको। ठीक है, और इसी तरह खूब दम लगा के पढ़िए और कम से कम जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं भरोसा आपको हो, क्योंकि आप जितना मेहनत करेंगे उसी अंदर आपका आत्मविश्वास जगता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होता है। तो कोशिश करिए खूब तैयारी करने का, क्योंकि 3-4 शिफ्ट बैठ जाइए 3-3 घंटे का, तो सोचिए आपका रिजल्ट हो जाएगा। अभी भी बहुत टाइम है पीटी के लिए, अगर 69 के लिए अगर आप प्रिपेयर्ड हैं तो एकदम तैयारी अच्छा से जोर शोर से करिए। ठीक है, थैंक यू मैं।